इतना सब कुछ हो गया, खून खराबा, बम धमाका, जीनोसाइड, गैंग वॉर्स, पर बैटमैन कहाँ है? वेयर इज ब्रूस वेन? क्या वो अभी भी शैडोज में है या अभी भी रिडलर की ट्रॉफीज ढूंढ रहा है? वेल, हेयर इज द आंसर। सो द बैटमैन फैंस, द पेंगुइन सीरीज में बैटमैन मिसिंग नहीं है, बिकॉज क्रिएटर्स को एक नया शो बनाना था जो विदाउट बैटमैन का हो, एंगेजिंग हो। द शो रनर लॉरेन लेफाक का आइडिया था कॉलिन फेरल के साथ यूनिवर्स को एक्सपैंड करने का, एंड दैट वॉज अ डैम राइट कॉल, जिसमें हम बैटमैन की कमी भी महसूस नहीं कर रहे। नाउ कमिंग टू द यूनिवर्स, तो बैटमैन अपने ऑल्टर ईगो यानी ब्रूस वेन पर फोकस कर रहा है एज पर माई थ्योरी। द बैटमैन के क्लाइमैक्स तक गॉथम एंड बैटमैन दोनों काफी जख्मी हो चुके थे, तो वो कौन सी चीजें हैं जिसमें बैटमैन अभी इंप्रूवमेंट कर रहा है? सो दोज आर एज फॉलोस। पॉइंट नंबर वन, जैसा कि हम जानते हैं, ब्रूस वेन ज्यादा कुछ नहीं जानता था अबाउट क्राइम एंड पॉलिटिक्स हैपेंड बिफोर, जिसका फायदा हुआ रिडलर को, एंड इजिली बैटमैन गॉट मैनिपुलेटेड। सो ब्रूस वेन इज फोकसिंग ऑन ट्रांसपेरेंसी ऑफ हिज भूतकाल, ताकि आगे ये गलती ना हो। वी शुडंट फॉरगेट दैट ब्रूस वेन का ये सेकेंड ईयर ऑफ बैटमैन है, सो या ही स्टिल लर्निंग। पॉइंट नंबर टू, क्लाइमैक्स में हमने देखा कि सारे गॉथम सिटीजंस बैटमैन को पहली बार देखकर कैसे नर्वस फील कर रहे थे, एंड उसी समय बैटमैन जब मदद का हाथ बढ़ाता है, ही रियलाइजेस दैट शुडंट बी बैटमैन बट ब्रूस वेन। क्राइम फाइटिंग से ज्यादा गॉथम सिटीजंस के चैलेंजेस इंपॉर्टेंट हैं, सो बेस्ड ऑन दैट ही वुड बी हेल्पिंग गॉथम इकोनॉमिकली एंड मे बी पॉलिटिकली ऑल्सो। शायद से रिन्यूअल प्रोग्राम भी दोबारा से स्टार्ट हो जाए फॉर गॉथम्स डेवलपमेंट। पॉइंट नंबर थ्री, बैटमैन जब पूरी जान लगाकर लड़ रहा था, ही सर्वाइव्ड अ ब्लो ऑफ शॉटगन, इलेक्ट्रिक्यूशन, द फॉल, और सबसे मेन कैरेक्टर एल्फ्रेड पेनीवर्थ भी हॉस्पिटल में है। सो ब्रूस वेन एल्फ्रेड और अपने हेल्थ पे ध्यान दे रहा है। ब्रूस वेन वॉज फीलिंग मोर गिल्टी बिकॉज उसकी वजह से एल्फ्रेड को बहुत नुकसान हुआ, जो ब्रूस को अपना बेटा जैसा मानता है। पॉइंट नंबर फोर, इतना सब डैमेज होने के बाद बैटमैन अपने टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करेगा, क्योंकि जैसे जैसे चैलेंजेस बढ़ेंगे वैसे वैसे टाइम एफिशिएंसी भी बढ़ानी होगी, एंड यस, इस ट्रेनिंग फॉर फ्लाइंग प्लस कॉम्बैट पे उसे और फोकस करना होगा, ताकि मिड एयर में क्रैश लैंडिंग दोबारा ना हो जाए। पॉइंट नंबर फाइव, द पेंगुइन एंड द बैटमैन के बीच के टाइमलाइन गैप है एक हफ्ते का। द बैटमैन का ओपनिंग सीन 31 अक्टूबर 2022 हॉलोवीन पे स्टार्ट हुआ था, जब रिडलर ने मेयर डॉन मिचेल जूनियर को पहला विक्टिम बनाया था इन हिज वॉर ऑन करप्शन विद इन द सिटी। द बैटमैन का पूरा सिनेरियो 31 अक्टूबर से नवंबर 6th 2022 तक प्रेजेंट किया है, वे रिडलर फ्लडेड गॉथम सिटी किलिंग थाउजेंड्स, एंड 12th नवंबर से द पेंगुइन की शुरुआत हुई, जिसमें फ्लड का डैमेज ऑन गॉथम सिटी देखते हुए पेंगुइन सनराइज की तरफ देखता है। ऑन 13th नवंबर ही किल्स अल्बर्टो फाल्कोनी। नाउ द पेंगुइन का टाइमलाइन कहां तक फॉलो होता है? तो ये आई थिंक एक दो हफ्ते का सिनेरियो होगा, मे बी 25th नवंबर 2022 तक। इफ यू फॉलोड माय रिव्यूज, देन उसमें आई अपडेटेड यू अबाउट विंटर सीजन, जो ऑलमोस्ट शुरू हो चुका है, एंड द बैटमैन पार्ट टू विंटर सीजन में ऑलरेडी सेट हो चुका है, सो यू नो वेयर इट ऑल कनेक्ट्स। पॉइंट नंबर सिक्स, बैटमैन अब तक इंटरफियर क्यों नहीं किया इवन आफ्टर बॉम्ब ब्लास्ट? तो इसका कंक्लूजन अभी बाकी है। जस्ट आफ्टर ब्लास्ट एपिसोड खत्म हो गया, बैटमैन हर न्यूज, इवेंट्स, इंसिडेंट्स नोट डाउन कर रहा है। पेंगुइन की स्ट्रेटेजी है अंडरग्राउंड ऑपरेट करना, बट ब्लास्ट ने उसे बाहर लाकर फेंक दिया। सो नेक्स्ट चैप्टर में परहैप्स पेंगुइन होगा द किंग पिन ऑफ गॉथम। और ये जितना भी सब हुआ, इस पे बैटमैन चुप है, नोइंग एवरीथिंग, बिकॉज ये अंडरग्राउंड बैटल चल रहा है विद इन द गैंगस्टर्स, जिसमें गॉथम के सिटीजंस इन्वॉल्वड नहीं है। सिंस ये शो विदाउट बैटमैन वाला है, तो हमें बैटमैन अगले इंस्टॉलमेंट यानी द बैटमैन पार्ट 2 में दिखेगा विद ऑल दीस कंक्लूजंस। इवन डायरेक्टर भी बाकी कैरेक्टर्स का परसेप्शन दिखाना चाहते थे, जिसमें गॉथम सिटी को और अच्छे से फील कर सके। दैट्स इट बैटमैन फैंस, आपकी क्या थ्योरी है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। डू वॉच माय अदर वीडियोस ऑन फैन रिक्वेस्ट, द रिडलर ईयर 1 एंड द पेंगुइन रिव्यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। I am Comcist. We'll meet you soon. Stay tuned.